हेलो जी, राम राम जी। अन्य अंतिम लोग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि वे सभी अच्छे होंगे और आप सभी की दुआओं से हम भी अच्छे हैं, खुश हैं। तो टाइम हो रहा है, 12 बज रहे हैं, काम सारा कर लिया और नहा धोकर बैठे हैं। ये हनुमान जी के मंदिर में गए थे तो वहाँ से आकर ना मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत करी है। तो भी जैसे कि मैंने कल वाले ब्लॉग में आपसे बोला था कि मैं इतने टाइम से ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही थी, 1-1.5 महीना हो लिया होगा मैंने कोई वीडियो डाले, तो वो मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रही थी, क्यों नहीं बना रही थी, तो वो मैं आज आपने बताऊंगी। बहुत सारे कॉन्टेक्ट में है, भी फ़ोन पे ही पूछा है, पर्सनली भी भाई जो मिले हैं, जो मेरे ब्लॉग देखे हैं, तो वे भी पूछा है कि आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे। तो मैं आप सभी के सारे सवाल का जवाब मैं दूंगी, मैं बताऊंगी मैं क्यों नहीं डाल रही थी, क्यों नहीं बना रही थी। क्योंकि भाई मेरा चोट लगी थी, कमर में मेरा चोट लगी थी, हम गाँव में आ रहे थे और गाड़ी तो हमने वहीं पकड़ी कर दी, हम एक्टिवा पा रहे थे, तब मेरे रास्ते में मेरे चोट लगी थी कमर में। और वो चोट मतलब कि कईयों ने तो पता नहीं होगा भाई डूटी डिग जा, अगर यूँ कहा भाई डूटी डिगी, तो अपने वह चोट जब दिखाई और बताई तो सब यूँ वहाँ पर भाई डूटी डिग रही है, तो वो से समझ भी ना कि भाई डूटी के लिए अगर पीछे होया करे, वो चोट ला के करे और वह कुछ उसमें के होया कर मतलब। पर इतना ज़बरदस्त मेरा दर्द था, उठने में, बैठने में, लेटने में, हर चीज़ में, मतलब कि कुछ भी अगर एक्टिविटी थोड़े भी शरीर कुछ भी मूवमेंट करा था तो मेरा दिक्कत बना थी, दर्द हुआ था। तो एक दिन तो मतलब इतना दर्द बढ़ गया था, मैंने चक्कर आ गया, मैं थी बेहोस हो गई थी। तो जब शरीर में इतना दर्द हो है, परेशानी हो है, तो मतलब कि वीडियो बनानी, ब्लॉग डालना, ये तो दिमाग तो निकल जाए दूर दूर तक, ये ध्यान में नहीं रहती बात। उस टाइम पर तो सिर्फ अपना वो दर्द दिखा है, बस दर्द कोई मतलब निजात दिलवा दे भाई, कोई दवाई हो कुछ भी, तो बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा दर्द था मेरा उसमें। तो घर का काम मैं नहीं कर पाऊँ थी है, उसमें मैंने करने में इतनी परेशानी हो थी, लेकिन भाई कुछ पेन किलर ली, इंजेक्शन लगवाए, तो धीरे 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 मतलब कि घाघरा दर्द बीमारी आते एकदम जा कर, लेकिन जाते टाइम टाइम लग जा कर, तो थोड़ा बहुत मतलब कि जैसे ये हो बादल हो जाए या ठंड का मौसम हो गया तो मेरा थोड़ा बहुत तो दर्द एक भी है, लेकिन वो है भाई बर्दाश्त हो जाए है, काम कर लियो हूँ अपना। और वीडियो भाई जैसे भी मैं आराम मिला तो मैंने कल अपना ब्लॉग भी डाला है, आगे भी मैं उम्मीद करूँ भाई मैं कंटिन्यू अपने ब्लॉग डालूँ। और बस ज़्यादा कुछ नहीं, मेरे जो चोट लगी है ना मेन रीज़न वही है जिससे कि मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी और आप तक ना पहुँचा पा रही। लेकिन इस सब के बीच मैं मतलब कि ठाली नहीं बैठी, जैसा भी मैंने आराम मिला था गोलियाँ था या इंजेक्शन था, जब भी मैंने आराम मिला था मैंने थोड़ी बहुत अपनी DIY करी और उनकी वीडियो भी बनाई, क्योंकि एक मन में मतलब कि उम्मीद थी भाई मेरा आराम होगा, मैं कदे तो अपनी वीडियो डालूंगी, तो मगर जब ये मेरा काम आओगे और आप सबके साथ मैं शेयर करूँगा DIY। तो ये आग आप वही देखियो, आपने देख कर ना अच्छा लगेगा। और चलो मैं आपने दिखाती हूँ, जो भी भाई चैनल पर नए जुड़े चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लिए और वीडियो या अपने ब्लॉग जैसा भी लगा है कमेंट करके जरूर बता देना। और जी जो DIY बनाई है अगर अच्छी लगा है तो देखो लाइक का बटन तो जरूर दबाना, क्योंकि बहुत मेहनत करी है उस टाइम पर, मेहनत करी है जब खुद मैं मतलब कि तकलीफ में थी, दर्द में थी, लेकिन फिर भी मैंने मतलब ऐसी वीडियो बनाई है और वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मोटिवेशन के लिए एक लाइक और कमेंट जरूर कर देना। अब ये देखो ये है वो DIY साइकिल वाली वॉल क्लॉक, जो मेरा बहुत टाइम से मतलब मन में थी मैं इसने खरीदूँ, लेकिन जब मैंने इसका मतलब कि प्राइस देखा ना तो भाई बस कोई ना मेरे बजट से बाहर था, 1,500, 2,000, 3,000 के अराउंड इसका रेट था, लेकिन फिर मैंने सोचा भी कि मैं इसने घर पर ट्राई करूँ देखूँ बना कर। तो उससे ही मैंने ये साइकिल के जो टायर है ना कबाड़ी की दुकान पर वो लेने जा रही थी, लेकिन जो ये वॉल क्लॉक है ना यो टायर में है यो मैंने वहाँ पर मतलब ख़राब पड़ा हुआ मिला, तो मैंने यो ले लिया और इसके अंदर 120 रुपये की मतलब कि लगे तो मेरे 150 रुपये, लेकिन 120 रुपये की जो वो आ गया ना वो घड़ी की वो मशीन जो है
तो वो डलवाई और बाकी 30 रुपये उसने डालने के लिए है। लेकिन मैं तो मतलब दो टायर लेने गई थी या घड़ी भी मैंने खुद घर पे बनानी थी। अगर आप कहोगे कि ये घड़ी भी मैं खुद बना कर दिखाऊँ तो वो भी मैं दिखा दूँगी, लेकिन मैंने ये मिल गया ईसा तो ये मेरे काम आ गया। तो कैसे बना रही हूँ वो देख लो। ये जो लकड़ी की है ना, ये जो कारपेंटर मतलब कि फर्नीचर बनाओ ना तो जो कोर साइड का हिस्सा होकर ना उसमें लगाया करे, जो ये लकड़ी की आप फट्टी देख रहे हो। और ये कुछ सामान है जो घर पर बिल्कुल जो वेस्ट होया करे ना उन चीज़ तक मैंने इतनी बढ़िया चीज़ बनाई है। ये है सीट ऊपर की। शुरू में मैंने आप तो ये साइकिल यूँ ही दिखाई है, आप मतलब ये दोबारा जाकर आप देख सको साइकिल ने और फिर देख ले भाई किस तरह मैंने के बनाई है। आप याद है तो थर्माकोल, ये देखो थर्माकोल से भी आप ये सीट तैयार कर सको। सिर्फ ये शेप देख लो, यूँ शेप आपने काटनी है। और ये मास्किंग टेप है जो मैंने साइड में पेस्ट कर दी है। और या तो आप थर्माकोल तो बना लो सीट, या फिर आप ये के ये गत्ता या कार्डबोर्ड जो भी बोला है इस तरह बना लो। तो मैं कार्डबोर्ड का यहाँ पर यूज करूँगी। तो ये साइड में ही मैं पेस्ट कर दी, ये देख लो मास्किंग टेप दोनों मैंने पेस्ट कर ली है। ये मैं आगे देखूँगी भाई कौन सा मैंने यूज कराया, कार्डबोर्ड यूज कराया मैंने थर्माकोल नहीं। थर्माकोल यूज करने में आसानी है क्योंकि मैं अड़काओ है यो। लेकिन इस पर ना जो ऑयल पेंट में करना था ना, इस मारे मैंने फिर कार्डबोर्ड का यूज़ करा, क्योंकि अगर ऑयल पेंट आप थर्माकोल पकड़ेंगे तो ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा। और यो देखो एलईडी लगाया करे ना तो उसका जो स्टैंड में आया करे उसका ये एक बच रहा था, एलईडी लगाती जो स्टैंड होया करे ना ये उसका बचा और है ऐसा। तो यो मैंने ले लिया ये कार्डबोर्ड। और फिलहाल तो मैंने मतलब पैडल तो मैंने करे नहीं रखे, उसमें लगा ही रखे, पर ये मैं लगाऊंगी। मैंने बना कर तैयार कर रखा है, सिर्फ उसमें पेस्ट करना है। ये देखो ये मैंने पैडल तैयार कर लिया। ये मैं हैंडल और देखिए मैं हैंडल किस चीज़ का बनाऊंगी। जो कभी घर में अगर ये मोड़ बोले अगर इसने फिटिंग में यूज करा ना, ये मोड़ है तो मैंने मतलब अपने जो भी सामान होया करें नहीं सब बच्चे और मैं एक जगह पर अपना रख ली हूँ। और जब भी मैंने अपनी DIY बनानी हो तो उसमें मैं यूँ देखा करूँ भाई के चीज़ मेरे पास है और के चीज़ मैंने बाहर कबाड़ी की दुकान से लेकर आनी है। और ये है सरमाई का पेस्ट करने का गम, जो सरमाई का कारपेंटर वाले जो सरमाई का जिसने जिस चीज़ पर पेस्ट करे ना तो ये वो वाला ग्लू है। इसने मैं पहले लेकर ना मैं जब भी दुकान पर जाऊँ ना कुछ भी मैंने ऐसा लागा भाई ये चीज़ मैं ले लेनी चाहिए। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ बस कि इस तरह पेस्ट होगा कि नहीं, लगभग सभी चीज़ पेस्ट हो जाए। मैंने 2-3 चीज़ें अब ट्राई करा है तो उस पर मैंने इसने बढ़िया काम करा है। और रेट भी कुछ ज़्यादा नहीं है, कितना है फिलहाल मेरा ध्यान नहीं है। और सिर्फ जो लकड़ी की जो सेटिंग है ना यो थोड़ी ही बस एक यो एक खेल है, बस इसकी सेटिंग करना इसने पेस्ट करना और कुछ नहीं है। और देखो ये जो पीछे वाला जिस पर मैं पेस्ट कर रही हूँ जो टायर है ये रियल का ही टायर है, ये 50 रुपये का मैं लेकर आई हूँ। आप अंदाज़ा लगा सको अगर दूसरा भी मैं लेकर आंदी तो वो भी 50 रुपये का पड़ जाता। और जो ये घड़ी मैं लेकर आई है ना ये 30 रुपये की कबाड़ी की दुकान पर मिली है मैंने, 30 रुपये की। देखो कबाड़ी की दुकान पर ऐसे सामान मिल जाए, कुल 30 रुपये की है या। और इसका इस जो ये साइकिल वाली वॉल क्लॉक है ना इसका आप रेट मतलब प्राइस देखना कितना है। और जो लकड़ी की फट्टी है ना किसे मॉडलिंग क्या बोल रहे हैं इसने पता नहीं, तो मुझे कुछ ऐसा ही इसका नाम है। तो ये दो ये लगी है, ये 50-50 रुपीज़ की है तो 30 रुपीज़ की ये लगा लो, 30 रुपीज़ की ये 50 का ये तो देख लो 80 रुपीज़ ये हुई है। और 30 का जो ये दूसरा वाला जिसमें ये घड़ी लग रही है 30 का ये है, मतलब कि बहुत कम 100-200 रुपये में यूँ मान लो मेरी 2000 रुपये की घड़ी तैयार होगी। और देखने में बिल्कुल एकदम रियल लग रही है कि बाहर से हमने परचेज़ करी हो। ऐसी चीज़ मैंने तो बहुत अच्छी लग गया करा घर में लगाना। और ये कार्डबोर्ड मैंने 2-3 इकट्ठे करके पेस्ट कर लिए हैं क्योंकि इसके क्योंकि जो ढक्कनियाँ लगाओगे ना जिसमें चैन नहीं डलती साइकिल की, तो उसके लिए जो मैंने ढक्कन लिया है उसमें थोड़ा अंदर की साइड ना गैप ज़्यादा है तो वो बढ़िया तरीके से ही पेस्ट नहीं हो पाओगा। तो उसने पेस्ट करने की मैं पहले ये कर रही हूँ पेस्ट, मतलब कि जो ये गत्ता है ना ये 2-3 गत्ते एक साथ लगा कर ना और कर लेंगे, उसके बाद फिर वो ढक्कन पेस्ट करूँगी।
आप बस देखते रहो ध्यान से मैं कैसे क्या कर रही हूँ। बहुत ही मतलब कि आसान है, थोड़ी सी मतलब मेहनत तो लगा है, लेकिन इतने भाई पैसे बाहर देने थे तो बहुत भाई थोड़ी मेहनत कर लियो ना, वही ठीक है। इसने मैं ये पेस्ट कर करना रात भर तो ही मैंने छोड़ दी थी हूँ, जल्दबाजी में नहीं, जल्दबाजी में तो सारे उखड़कन है, सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। मैंने पूरी रात तक मैंने ये छोड़ी है। देखिए पीछे की साइड हम ये छोटे वाला ढक्कन पेस्ट कर देंगे, बिल्कुल जो है अगर ना घर में बचा हुआ जो वेस्ट हुआ जिसने हम बगा दी है उस चीज़ से मैंने इतनी बढ़िया चीज़ बना कर रेडी कर दी। देखो भाई अगर अच्छा लगा ना तो उसके लिए कमेंट जरूर कर देना। ये मोड ये भी मेरे घर में पड़ा था, अच्छा अगर ये चीज़ घर सबके घर में भाई जब भी किसी कभी ना कभी अगर मैं ऐसा काम होगा तो ये बच जाए है, ऐसी मतलब गिनती की काउंट करके कोई नहीं लेकर आंदा, एक आध चीज़ बच जाए है यूँ मान का भाई फिर काम आ जाएगी। तो ये फिर काम तो पता नहीं, लेकिन मैं तो इस नई नू यूज कर ली हूँ। इस पर मैं सारे पर ऑयल पेंट है वो लगा लूँगी, तो ये मैं इस पर सारे पर पेंट कर कर छोड़ दूँगी। कल एक दिन मतलब टाइम लगा का सूखने में, और बस ये डिब्बे पर पेंट कर लियो, सरफ का डिब्बा है, इसने मैं साइकिल की जो टोकरी है ना उस तो ही मैं यूज करूँगी, और पेंट करके मैंने ये भी छोड़ दिया। और अब ये देखो मैंने ये साइकिल वाली वॉल क्लॉक मैंने कर दी है। ये भी ये देखो एक तो मैंने टोकरी में तो मैंने फूल डाल दिया आर्टिफिशियल, और अब ये देखो ये मैंने इस पर मनी प्लांट लगा दी। अभी कमेंट करके बताना कि बिना ये मतलब कि जो आर्टिफिशियल मनी प्लांट की जो बेल लगाई है तब अच्छी लग रही थी या फिर अब अच्छी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और जो ये जिसमें ये घड़ी है ना इसमें तो सिल्वर पेंट हो रहा है टायर के अंदर, और पीछे वाले में गोल्डन पेंट हो रहा है। अब ये बताओ कि गोल्डन ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि ब्लैक, ये हो क्या है सिल्वर, अगर सिल्वर अच्छा लगा तो मैं पीछे भी सिल्वर कर दूँगी, और गोल्डन अच्छा लग रहा है तो मैं आगे की साइड भी गोल्डन कर लूँगी। ये मैंने एक चीज़ ये मैंने छोड़ रखी है ट्राई, मैंने देखने थी भी जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा वही रखूँगी। तो भी आज के लिए बस इतना ही, तो कल फिर मुलाकात होगी एक नई DIY और व्लॉग के साथ। तब तक सभी को राम राम।